कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर की कॉल आई है। पापा आ गए, अपना पापा के साथ टाइम में घर आते थे और सुनने थे। कौन था आपसे कहना कि पापा घर आए थे लेकिन घर आते सब देख के भाग गए घर से। मैंने कहा चल रहा है मम्मा के सामने बेहोशी की एक्टिंग करूं घर से सही करूंगी प्रॉमिस। किसके पापा ना से फिरा बैठे हम अरे भाई के साथ करते हैं। रुक जा जरा, आपकी तबीयत बहुत खराब है तो हॉस्पिटल गई। हेलो वो ना रावे क्या हुआ है? और आपको पता होगा कि आज है अप्रैल फूल, फर्स्ट अप्रैल है। तो मैंने सोचा मैंने अभी तक कभी अपने किसी बहन पे प्रैंक नहीं किया तो मैं आज करने वाली हूँ। आज का व्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है। अब वो प्रैंक क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे उनका रिएक्शन लूंगी, अप्रैल फूल बनाऊंगी, अपने को कुछ कर लूंगी, कुछ अदाकारी लगानी पड़ेगी और इन सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक प्रैंक है, मैं सबसे पहले यही चीज बता रही हूँ। तो ये एक जस्ट एक फन एक्टिविटी है व्हिच आई वांट टू डू एंड आई वांट टू शेयर इट विद माय ऑडियंस एज वेल। मैं आ चुकी थी नीचे, ठीक है, और मैं आपको एक मजेदार खबर देती हूँ कि मैंने ना अभी जो प्रैंक करना है ना वो करना है फातिमा पे। फातिमा फैसल को कपिल शर्मा के शो पे जाने का बहुत शौक है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको जाके बोलूँ कि मुझे कॉल आई है किसी की और वो हमें इंडिया के टिकट्स भी दे रहे हैं और वो हमें कपिल शर्मा के शो पे बुला रहे हैं। लेकिन वो हमें इंडिया नहीं, वो हमें दुबई बुला रहे हैं क्योंकि उसका शो जो है वो दुबई में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी तरफ से ये उसके लिए अप्रैल फूल होएगा, सही है। रोजा शेजा तार कट गया था, चिल कर रही थी। अब करते हैं अपने अप्रैल फूल का आगाज। लेट्स गो यार फातिमा, गुड न्यूज है यार। और मैं वो गुड न्यूज सिर्फ तुम्हें ही नहीं सुनाना चाहती, मैं अपनी ऑडियंस को भी, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। दिल थाम लो। क्या तुम्हारे तो आने से मुझे हंसी आ रही है यार फातिमा, कैन यू इमेजिन तुम्हारा क्या सपना था, तुम्हारा क्या यार पहेलियां क्यों पूछवा रही हो? गैस मुझे किसकी कॉल आई है? कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर की कॉल आई है। हाँ नहीं सही बता रही हूँ, उसकी कॉल आई है। फातिमा हमें दुबई की एयर टिकट्स दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप कपिल आपसे एस्ट्रोलॉजी को हम लोग कपिल शर्मा के शो पे इनवाइट करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट में मैं तो एकदम पागल हो गई थी, मुझे पता था तुम्हें वहां जाने का बहुत शौक था तो मैंने कहा था मैं ऑनलाइन। हाँ पासपोर्ट है, क्या पहनूं? मजा आएगा है ना, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। कपिल से कपड़े पहन के जाएंगे, सबको बुलाया पांचों को। हाँ नहीं नहीं मैं तो बस सही बता रही हूँ। और उस प्रोड्यूसर का नाम है यादेश वाश शर्मा। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो, उन्होंने मुझे कहा है कि अपनी बहनों की अवेलेबिलिटी और उनकी पेमेंट प्रोसीजर हमें बता दीजिएगा और बजट वही होगा। मुफ्त भी आ जाएंगे। चलेंगे फिर कपिल शर्मा के शो पे, पांचों पूरी एस्ट्रोलॉजी को इनवाइट किया उन्होंने। हम लोग हैप्पी खुश। फातिमा का सपना पूरा हो गया, फातिमा का ख्वाब सच हो गया। तो मैं फातिमा को बता दूं, फातिमा वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्पेशल फातिमा की चलाकियों के कैरेक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गुत्थी गुत्थी आती है ना, ऐसे फातिमा गुत्थी आएगी। इतनी अचीवमेंट किया तुमने लाइफ में कि तुम्हें कपिल शर्मा शो से कॉल आ गई है यार। इमोशनल होगी भाई, फातिमा रो रही है। पागल हो? वाकई में? नहीं आंखें दिखाओ, आंखें तो दिखाओ। मैं आपको बताती हूँ फिर हम कपड़े सेलेक्ट करेंगे। तो एक दफा मेरे कैमरे को देखो और हाथ हिला दो क्योंकि आपके साथ अप्रैल फूल का प्रैंक हुआ है। हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे। मैं डेट देख रही थी। मजो आ गया किसी के इमोशन के साथ खेलना। अच्छा मारा भी साथ इनवाइटेड थी। मैं तो खुश थी, कपड़े भी सोच रही थे मैंने बेवकूफ। तुमने जूता पे याला, मानो के साथ तो नहीं मैं कर सकती क्योंकि मानो के सामने सारा कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन हेरा और राबिया है अभी ऊपर, ये और फातिमा अभी निकल रही हैं। इन लोगों ने जाना है किसी जगह पे अपनी दोस्तों के साथ। इतना सोचा लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि मुझे राबिया के साथ करना क्या। अरे भाई के साथ करते हैं, रुक जाओ जरा। अरे अल्लाह ना यार, अभी ना करो ना यार, सो कॉल तो करने दो। कहूंगी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है तो हॉस्पिटल गई। स्पीकर पे लगा, स्पीकर देख कैसे खुद एक्साइटेड हो रही है। पता लगे रहा तुम्हारी कॉल ही नहीं उठाई। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हुआ? हेलो
वो ना तुम लोग कोई शरारत कर रहे हो ना, ये क्या हुआ है? एक्चुअली हम काफी गंदे एक्टर्स हैं, माफी चाहते हो आपकी नींद डिस्टर्ब करी। ओके अरे आइंदा के बाद इसी किसी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है? ये मुझे ये मुझे मारने के चक्रों में थी, कह रही थी मैं, कह रही हूँ आप ही हॉस्पिटल में हैं। थैंक यू, आप कैमरे को देख के हाथ हिला सकते हैं, आपके साथ भी पी रैंक हुआ है एक, तो हमारे साथ हुआ है। मेरी गंदी ऐसी लग गई थी। चलें ठीक है, ओके अब हम अपने शुरू कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये एक्टिंग भी नहीं हुई तेरे से, गंदी ऐसी आ गई थी। ओ माय गॉड गाइस, आपको पता है पापा आ गए, अपना पापा के साथ टाइम है, मैं और राबिया मिलके करेंगे। राबिया मेरे साथ, चलो जा तो रही है, दरवाजा खोलने, अब देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन पड़ेगा, पापा के साथ क्या बोलने वाले। आई ये ना मेरा बेबी होश में थे भैया, नाक नाक कौन बदतमीज है। मैंने कहा राबे बेहोश हो गया, और बदतमीज इतनी पथाटिक एक्ट्रेस है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं हो जाऊँ। मेरे प्लान को दवा या नकली सस्ती एक्टर पापा जी को, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये प्रैंक ज्यादा वाला करो, चक्कर वाला करो, बाद से भी चक्कर वाला बिना प्रैंक है, वो बाद से सारा भी हो गया। नहीं नहीं, वो कहती थी वो मम्मा घर से बाहर गई, मम्मा से मेरी बात हुई अभी, नहीं उन्होंने बाहर जाके कॉल की, घर में है, लड़ाई हुई है, घर से चली गई है, इससे मैं भी आ गई। आपने ना अभी अंदर नहीं आना, कौन था आपसे कहना था, पापा घर आए थे लेकिन घर आते सब देख के भाग गए घर से। आपने भी नहीं आना तो हम मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। मम्मा पापा घर से भाग गए, पापा ना हो गए, लड़की हो गए। एक मिनट इधर आओ, वो भागे नहीं थे कुछ और, एक मिनट बात। क्या करूँ मम्मा के सामने भी होशी की एक्टिंग करूँ, घर से सही करूँगी, प्रॉमिस। अब हम यकीन करो, चलो ठीक है। मम्मा इसको ना असली में कुछ हो रहा था, मैंने देखा था इसके ऊपर इतनी चढ़ेलें चिपकी हुई है, मैं चढ़ेल आ गई, मैं झूठ नहीं बोल रही, पता है दफा रहे तुम अपने माँ बाप को कूट नहीं, अब से फिरा बैठ और उसके साथ हमने को बहुत ही बढ़िया वाला करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और असली में मेरी बात सुनो, उसको कुछ खबर नहीं है गाइस, मैं एक बेस्ट व्लॉगर हूँ बट बेस्ट प्रैंकस्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे करूँ। ए रुक, अभी तू नहीं जाएगी मेरे बगैर, इधर आ, एक तो तू हंस के इधर वापस आ, अब मुझे ना सही ट्रू ट्रू एक्टिंग चाहिए, तुम पता लगे तुम किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में पढ़ती हो। मुझे एक आइडिया है, हम दोनों मेरे कमरे में ना दरवाजा खोल के चीखे मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ रखती हूँ, देखते हैं कहाँ तक। अप्रैल फूल, हाय गाइस अप्रैल फूल, मेरे साथ अप्रैल फूल हो गया। चलो जी राबिया, अब आपकी जरूरत खत्म हुई, निकले यहाँ से।
तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं तो मेरे साथ रहिएगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओ एक मिनट एक मिनट, तो मैं आपको बता दूं कि कल का व्लॉग किस बारे में है। कल का व्लॉग होगा अरीब की फैमिली की तरफ से इफ्तार पार्टी। सो आप लोगों ने जो है वो इंतजार करना है, ठीक है। बाय।